हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक बहुत ही अजीब चोंच वाले पक्षी स्पून बिल के बारे में। इसकी चोंच लंबी व चम्मच की तरह होती है, इसलिए इसे चम्मच चोंच पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। स्पून बिल्स के लंबे पैर होते हैं, वे नंगे हरे रंग का सिर और एक सफ़ेद गर्दन, पेट और स्तन होते हैं। इनके शरीर का रंग पीला गुलाबी उज्ज्वल मैजेंटा जैसा होता है। स्पूनबिल का वजन लगभग 2 किलोग्राम होता है। वह इसके शरीर की लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर तथा इसके पर 135 सेंटीमीटर के होते हैं। स्पूनबिल दलदल, झीलों, नदियों के कीचड़ वाले किनारों पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। यह पक्षी भोजन की तलाश में सुबह शाम मेहनत करता है और दोपहर में दलदली किनारों पर आराम कर लेता है। जब यह भोजन की तलाश में निकलता है तो यह अंग्रेजी के अक्षर वी के आकार में धीरे धीरे पंख लहराता हुआ उड़ता है। उड़ते समय इसकी गर्दन व टांगे तनी रहती हैं। यह ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ना पसंद करते हैं। इनका भोजन मेंढक, टैडपोल, घोंगे, पानी के कीड़े, छोटी मछली और कुछ मुलायम वनस्पति खाते हैं। इनका पूरा झुंड उथले पानी में घुस जाता है। ये अपनी गर्दन आगे और अथ खुली चोंच टेढ़ी करके चोंच की नोक से कीचड़ को उलट पुलट करते हुए शिकार की खोज करते हैं। यह रहने के लिए झील के आसपास पनकौवों, सारसों, बगलों के साथ पेड़ पर तिनकों का चबूतरा नमा घोंसला बनाकर उसमें रहते हैं। मादा स्पूनबिल 2 से 4 अंडे देती है। इन अंडों का रंग मटमैले सफ़ेद, बारीक बारीक कत्थई धब्बेदार होता है। इन अंडों को नर व मादा दोनों सहते हैं। इन अंडों से चूजे लगभग 1 महीने में निकलते हैं। यह चूजे जन्म से अंधे होते हैं। यह तुरंत अपनी देखभाल नहीं कर सकते। नर व मादा दोनों इन चूजों को कई हफ्ते तक भोजन खिलाते हैं। जैसे जैसे यह बड़े होने लगते हैं, इन्हें पूरी तरह से दिखाई देने लगता है और फिर यह अपना पालन पोषण अपने आप करने लगते हैं। स्पूनबिल का औसतन जीवन काल लगभग 10 साल होता है।